गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन हो गया, अब सुन रहे हैं हम लोग मिक्स कनेक्शन, यानी सीरीज भी होगा और पैरेलल भी होगा। इन दोनों को समझने के लिए हमारे पास थोड़े बहुत पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। सबसे पहले मैं ये सोचू कि मैंने एन सेल को सीरीज में कनेक्ट किया है और वैसी एन लाइंस है, तो मैंने आपको शॉर्ट टर्म बोल दिया। उसको सही मायने में डायग्राम के हिसाब से एक्सप्लेन करूं तो ज्यादा समझ में आएगा। सपोज ऐसे हम लोग सेल को कनेक्ट कर रहे हैं, ये फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, अब ये लास्ट सेल। ये सुनना दोस्तों, शांति समझना। सपोज इसका सबका ईएमएफ में अभी ये लिख रहा हूं E1, E2, E3, अब तो लास्ट तक हम लोग जाएंगे तो ये लिखना पड़ेगा। तो पहली बात ध्यान से देखना, मैं अभी फर्स्ट रो के लिए सोच रहा हूं, यानी फर्स्ट लाइन के लिए। तो सर उसका ईएमएफ फाइंड करना है, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, E1 प्लस E2 अप टू EN, इन सब का मेरे को एडिशन करना पड़ेगा। तो मैथ्स वालों ने बोल दिया एक काम करो, सिग्मा EI लिखो। तो ये हमारा काम हो गया फर्स्ट, जो हमें मिल गया इक्विवेलेंट ईएमएफ। हर एक सेल का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है, हर एक सेल का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है। तो वही चीज हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में सोचे तो आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 अप टू RN हो सकता है। तो यहां पे लिखना चालू करो तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सिग्मा RN। दोस्तों मेरे पास दो चीज रेडी हो गई, हर एक लाइन यानी एक लाइन की, सुनना, एक लाइन का टोटल ईएमएफ मिल गया और टोटल रेजिस्टेंस मिल गया। अब बात यह है कि आपका सीरीज कनेक्शन तो क्लियर है, बिल्कुल वही स्टाइल में आपके पास ऐसे पैरेलल बैटरी कनेक्ट है, सेम स्टाइल पैरेलल, इन सब का आपने कॉम्बिनेशन कर लिया। तो अब बात हुई सीरीज की, तो बात क्लियर। अब जाते हैं हमारे पास एम लाइन पैरेलल। अगर हमारे पास एम लाइन पैरेलल, तो पैरेलल याद करो ईएमएफ चेंज नहीं होता। तो सर इसके अंदर ईएमएफ तो कांस्टेंट हो गया, ईएमएफ का मतलब अभी हम लोग वोल्टेज को कंसीडर करेंगे, पर इन सब का इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या, तो याद करो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 अप टू 1/RN। ऐसा कितनी टाइम आएगा, तो होगा एम टाइम। क्यों एम टाइम्स होगा, हर एक का फाइंड करेंगे। हमने ये हॉरिजॉन्टल तो काउंट कर लिया, और वर्टिकली काउंट करेंगे तो एन टाइम्स सीरीज एम टाइम्स पैरेलल। रिपीट, एन टाइम्स सीरीज एम टाइम्स पैरेलल। तो इसका मैं फॉर्मूला देखने जाऊं तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एम अपॉन सिग्मा आर एन। इसको अच्छे से लिखो, उल्टा लिखो तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर आई अपॉन एम, यानी मेरे पास सही मायने में आर भी मिल गया। अब मेरे को चाहिए क्या, ध्यान से मेरे वर्ड्स को समझना। ये सर्किट को कंप्लीट करने के लिए मैं एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्वाइन करता हूं और एक स्विच रखता हूं, की रखता हूं, यानी कि जिससे मैं ऑन ऑफ कर पाऊं। तो अब मेरे को समझाओ कि सर ये चीज सब देखने के बाद आपको टोटल करंट कितना मिलेगा। सिखाया था टोटल करंट यानी आई इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। बोलो टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। बोलो टोटल ईएमएफ कितना है, सिग्मा ये जो कांस्टेंट है चेंज नहीं होगा। टोटल रेजिस्टेंस तो आर इक्विवेलेंट प्लस प्लस ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यानी आपका टोटल फॉर्मूला आई इज इक्वल टू
ध्यान से देखना दोस्तों, सिग्मा ई आई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस की बात ये रही। ज्यादातर रेफरेंस बुक टेक्स्ट बुक यहां तक बात खत्म, कैसे आया वो बात यहां खत्म हो गई। अब मेरे को नीट जेडब्ल्यूई सोचना है, एमसीक्यूज में जाना है, तो मेरे को कुछ करना पड़ेगा, कुछ डिफरेंट सोचना पड़ेगा। तो यही चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, आई इज इक्वल टू जहां जहां सिग्मा वहां वहां एन, रिपीट, जहां जहां सिग्मा वहां वहां एन, लिख दिया। चलो अब एम का एलसीएम ले लो दोस्तों, एलसीएम लिया हमने तो मल्टीप्लाई में होगा, यानी एम आर प्लस एन आर, ये ऊपर चला जाएगा, यानी तो मेरे पास ये चीज क्लियर है कि मेरे करंट का ये फॉर्मूला है। सबको बोल दो बेटा ये प्लीज पक्का करना, काम में आएगा ही। एम का मतलब वो पैरेलल कनेक्शन है और एन का मतलब वो सीरीज कनेक्शन है। मस्त थियरम बेटा, 2 मार्क्स की आईएमपी थियरी है, इसको अच्छे से देख लो, समझ लो, फॉर्मूला पक्का करना, एमसीक्यू में आएगा। ओके, देख सकते हो अच्छे से।